तो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आर के ऑफिशियल मैकेनिक। तो मेरे पास 150 पल्सर आई है। तो उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि उसका जो ABS का जो सेंसर है और जो मीटर का है, दोनों एक ही है, पर उसका जो काम नहीं कर रहा। तो भाई ने किधर तो काम किया था बाहर, तो काम मतलब वो चलते टाइम दिखाता है, तब ABS भी बंद होता है, तो मीटर इशू नहीं करता। तो क्या प्रॉब्लम क्या है, तो आपको मैं गाड़ी पहले चला के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ का जो ABS का जो लाइट है वो ऑन है, बट RPM भी दिखा रहा है अच्छे से, बट जो आप कितनी स्पीड पे चल रहे हो वो नहीं दिखा रहा। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आपको मैं पहले खोल के दिखाता हूँ क्या करना है। तो वीडियो कंटिन्यू कीजिए। देखा, जो गाड़ी चलाते टाइम ABS और मीटर का भी काम नहीं करता, तो हम क्या करेंगे, इसका जो गैप है, जो सेंसर और ABS वाली जो पट्टी है वाली, इसके अंदर वाला जो गैप है वो कम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके जो बोल्ट है इसके अंदर, ये प्लेट के अंदर से एक वाइशर डालेंगे 10 नंबर का तीनों को, तो ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो अभी हम राउंड मारेंगे। देख सकते हो इसका जो ABS वाला जो लाइट है वो भी बंद हो चुका है, और RPM भी दिखा रहा है, और जो मीटर है वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।